साथ सबका विकास करना चाहते हैं, किंतु ऐसा सबका साथ सबका विकास किस काम का जिसमें एक समाज की निर्मम तरह से हत्या होती रहे। ये हत्या सिर्फ कमलेश भाई की नहीं, ये हत्या हिंदूवादी विचारधारा को दबाने की कोशिश है। लेकिन अपराधियों को मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ कि उन्होंने श्री कमलेश भाई की हत्या करके न सिर्फ कमलेश भाई की हत्या की है, उन्होंने करोड़ों करोड़ हिंदुओं के विचारधारा की हत्या की है। लेकिन तुम कब तक मारोगे? तुमने एक कमलेश भाई को मारा है, उनकी प्रेरणा से करोड़ों कमलेश तिवारी पैदा होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द इस कांड पर एक्शन ले। अगर नहीं ले सकती तो 48 घंटे बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आप भगवा वस्त्र पहन के चलना बंद कर दीजिए। भगवा आपके लिए नहीं, भगवा हिंदुवादियों के लिए है, भगवा सनातन प्रेमियों के लिए है। आप मुख्यमंत्री हैं, जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के समय में कोई घटना होती थी तो आप कहते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासन नहीं संभाल पा रही है, कानून नहीं संभाल पा रही। आप आज मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, आप स्टार प्रचारक थे अपनी पार्टी के। आप जब भाषण देने जाते थे, आप चुनावी रैलियों को संबोधित करने जाते थे तो अपराध का मुद्दा उठाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, कालिदास मार्ग की यहाँ से दूरी मात्र 12 किलोमीटर है, आपके मुख्यमंत्री आवास से अगर 12 किलोमीटर दूरी पर आपके नाक के नीचे अगर राजधानी में दिन दहाड़े हिंदू शेर की हत्या हो गई तो आप सोचिए इस बात को कि आपकी सरकार और आपका प्रशासन क्या कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।